हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। आप सब कैसे हैं? मैं श्रेया आपको आज लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको शायद पता होगा मैं थाईलैंड ट्रैवल कर रही हूँ अभी फिलहाल, और टू बी एग्जैक्ट अभी मैं हूँ क्रैबी में। अगर आप क्रैबी आते हैं हनीमून गोअर्स के लिए, ये जगह बहुत सुंदर है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत लोग मिस भी कर जाते हैं। उनको वो टिपिकल फुकेट या पटाया या बैंकॉक, वहीं पे वो लोग लिमिटेड हो जाते हैं। पर अगर आप क्रैबी आते हैं तो आपको क्रैबी में क्या देखनी चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्रैबी की एक बहुत ही सुंदर सी टूर, जो आइलैंड टूर होती है। यहाँ से फोर आइलैंड टूर इसको बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसके टोटल बारे में क्या क्या है। ये एक वन डे टूर है, हाफ डे टूर है। आप सुबह से लेके दोपहर तक ये आराम से कवर कर सकते हैं, एंड बाद में आके आप रूम में चिल भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक टूर होती नहीं है। तो चलिए मैं इसके बारे में टोटल डिटेल्स में आपको बताती हूँ, और देखते रहिए मेरे साथ इस वीडियो को। सुबह सुबह निकल पड़े हैं क्रैबी फोर आइलैंड टूर के लिए। हमने ये टूर क्लूक ऐप से बुक किया है और होटल से सुबह 8 बजे हमारी पिकअप थी। ऑन आवर वे टू द पियर, जहाँ से हम प्रीमियम बोट से ये फोर आइलैंड टूर करेंगे। ये टूर 8 घंटे की होती है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, टिल दे ड्रॉप यू टू योर होटल। चलिए पहुँच गए हैं क्रैबी के एक पियर में। हमारी लोकल टूर गाइड है fifitour.com, और यहाँ से उनकी बोट टूर के लिए रवाना होती है। ये कंपनी क्रैबी से जेम्स बॉन्ड आइलैंड, हॉन्ग आइलैंड, फीफी आइलैंड जैसी फेमस टूर भी अरेंज करती है। कैन यू सी द आउनंग क्लिफ? चलिए नेम एंट्री करवा लेते हैं पहले। ये टूर कंपनी काफी रिनाउंड है और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से बोट डेस्टिनेशन बुक कर सकते हैं। नाम एनलिस्ट करने के बाद टूर कंपनी आपको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा है, ये टूर सुबह सुबह होती है, सो देयर इज अ डिसेंट ब्रेकफास्ट बफे जो कॉम्प्लीमेंट्री है, और आप हल्का फुल्का यहाँ से खा के जा सकते हैं। टूर पैकेज के प्राइस के अलावा एक्स्ट्रा 200 थाई भाट पर हेड देना पड़ा फॉर नेशनल पार्क फी। बच्चों के लिए 100 भाट लगती है। एंड दिस इज द फोर आइलैंड टूर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टूडे, एंड ऑफ वी गो नाउ। इवन इफ यू वॉन्ट, आप लॉन्ग टेल ट्रेडिशनल बोट में भी आइलैंड टूर कर सकते हैं, और ऐसी बड़ी यॉट में भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। हमारी पहली स्पॉट पहुंचने वाले हैं, और एग्जैक्ट 10 बजे हम पहुंचेंगे वहां पे। इस लोकेशन में हम दो चीज देखेंगे, प्रानांग केव एंड रेली बीच। रेली बीच एक इंटरेस्टिंग स्पॉट है। ये जगह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जहां हम अभी है ये एक रिजॉर्ट एरिया है। वेस्ट साइड है रेली बीच की, जहाँ से आप स्विम कर सकते हैं एंड बेहतरीन सनसेट देख सकते हैं। ईस्ट साइड ऑफ रेली बीच वेयर देयर इज फेमस रॉक क्लाइंबिंग एरिया, और वहाँ पे ही है फ्रांगनांग केव। बड़े बड़े लाइमस्टोन क्लिफ में बनी है ये ऐसी छोटी छोटी केव, एंड थैंक्स टू दिस हाई क्लिफ इट्स अ फेवरेट प्लेस फॉर रॉक क्लाइंबर्स इन क्रैबी। और एक चीज, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग होती है। सो रेली बीच कोई आइलैंड नहीं है, मेनलैंड से कनेक्टेड जरूर है, बट इट्स अ स्मॉल पेनिनसुला बिटवीन क्रैबी एंड आउनांग, और हाई लाइमस्टोन क्लिफ के लिए मेनलैंड से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक्सेसिबिलिटी के लिए सिर्फ बोट यूज किया जाता है। एंड फन फैक्ट, कहो ना प्यार है के कुछ शॉट यहाँ पे शूट किए गए थे। एंड एंड ऑफ दिस बीच ये है फ्रांगनांग केव, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसेस केव। यहाँ के सेलर्स एंड लोकल इस केव को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट एंड वर्शिप करते हैं। इट्स अ फर्टिलिटी श्राइन एज यू कैन सी। इस केव की जो माउथ है, आपको देख के लगेगा जैसे शैंडेलियर्स बने हैं लाइमस्टोन के, और यहाँ से भी सनसेट व्यू बहुत ही अच्छी होती है।
अभी एक घंटा टाइम है बिताने के लिए, हम उसके बाद चलेंगे दूसरे स्पॉट में। और हमारी डेली अपडेट्स देखने के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। पहुंच गए हैं दूसरे स्पॉट में। यहाँ पे हम लोग उतरेंगे नहीं बल्कि दूर से देखेंगे ये यूनिक सी चिकन हेड जैसी रॉक फॉर्मेशन को, इसलिए इस जगह को कोकाई और चिकन आइलैंड भी कहते हैं। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद फोटो शोटो लेकर हम हमारे थर्ड स्पॉट के तरफ अभी जा रहे हैं। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे कोथाप और यू कैन कॉल इट टप आइलैंड। बहुत ही सुंदर छोटी सी आइलैंड है। लो टाइड के दौरान दो और आइलैंड इसके साथ जुड़ जाती है। आप पैदल ही इस तीन आइलैंड को क्रॉस कर सकते हैं, टप आइलैंड, मोर आइलैंड, काई आइलैंड, एंड बहुत ही सुंदर ब्लू टर्कोइश पानी है। आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस, वर्थ कमिंग हियर, एक्सीलेंट प्लेस फॉर स्विमिंग, बेसिक स्नॉकलिंग और चिलिंग। एक पिक्चरस जगह है ये। और अगर आप मेरे तरह कहो ना प्यार है मूवी के फैन हैं, सो यू विल रियलाइज कि इस लोकेशन में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने वो फ्लैग लगाया था। क्वाइट नॉस्टैल्जिक। अभी थोड़ी ज्यादा ही टूरिस्टी हो गई है ये जगह, बट अगर आप इसको अवॉइड करेंगे देन इट्स अ वर्थी प्लेस टू विजिट। हमें यहाँ पे एक घंटा और टाइम मिला है टू स्विम और स्नॉकल। एंड फाइनल स्पॉट पहुंचने से पहले यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोका गया है फॉर स्नॉकलिंग। जस्ट सीनिक ब्यूटी देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल। और स्नॉकलिंग गियर आपको ये टूर कंपनी प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ लाइफ जैकेट। और बोट में अनलिमिटेड पानी बेवरेजेस आपको मिलती रहेगी टूर के दौरान। साथ में टूर इंश्योरेंस, लंच, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी इंक्लूडेड है इस पैकेज में। हमारी लास्ट और फाइनल स्पॉट पहुंच गए हैं, वो है कोपोडा, पोडा आइलैंड भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस आइलैंड इन क्रैबी प्रोविंस। इस आइलैंड में हमारी लंच होगी विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द टूर कंपनी, और आप कई दूसरे लोगों के तरह प्राइवेट पिकनिक भी यहां पे कर सकते हैं। देखिए कितनी क्यूट सी पिकनिक स्पॉट सेटअप किया गया है। इट्स टाइम फॉर लंच, वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, पर वेज वालों को पहले से बोल देना होता है ताकि वो लोग ये पैक करके ला पाए। हमारी टूर गाइड हमें प्री कुक्ड लंच बॉक्स में सेटअप करके दे रही है। थैंक यू। ओके। थैंक यू। हमारे लंच में फ्राइड एग्स, थाई मिंट चिकन जिसे स्पाइसी थाई बेसिल चिकन कहते हैं वो है, और साथ में राइस है। काफी होलसम मील है। और ये कुछ सॉस दिया गया है जिसके साथ इसे खा सकते हैं। गाइस फूड वाज वेरी यम, बहुत ही अच्छी बनी है। आई रियली लव द मील। सो आफ्टर दिस यमी लंच मैं आपको इस आइलैंड की टूर देती हूँ। इस फोर आइलैंड टूर में इस आइलैंड की खास बात है इसकी व्यू। दूसरे आइलैंड में इतने सारे दुकान, कैफेज खाने के लिए नहीं है, पर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लोकल्स यहाँ पिकनिक के लिए भी आते हैं। मोस्ट ऑफ द टूर कंपनीज यहाँ पे लंच कंडक्ट करती है। कोपोडा एक यूनिक आइलैंड है। ये आइलैंड सराउंडेड है थ्री साइड्स ऑफ बीच, और वेस्ट के तरफ आपको लाइमस्टोन क्लिफ मिलेगी। दिस बीच हैज वन ऑफ अ काइंड वाइट प्रिस्टीन सैंड, क्लियर वाटर, परफेक्ट फॉर स्विमिंग। ये एक छोटी सी पैराडाइज आप कह सकते हैं इन द मिडल ऑफ द सी। इस आइलैंड में भी कहो ना प्यार है कि गाने की शूटिंग हुई थी। सो फाइनली ये वंडरफुल ट्रिप खत्म होने को है, एंड आई विल रियली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई दिस फोर आइलैंड टूर। ये बहुत ही
अच्छी टूर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये क्रैबी की कुछ आइलैंड टूर जो थी हमारी फेमस कहो ना प्यार है, मुझे नॉस्टैल्जिया आ गया बाय गॉड, क्योंकि वो कहो ना प्यार है के सीन्स मैं वहाँ पे टीवी में बैठ के जब बचपन में देखती थी, एंड वहाँ पे जाना और उस जगह को एक्सपीरियंस करना वाज सो मैजिकल। सो अगर आपको ऐसे जगह पे आनी है तो इस टूर को मिस ना कीजिए। क्रैबी आप जाते हैं आते हैं तो आपको ये जगह ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, आनी चाहिए, देखनी चाहिए। So, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, और इसके बारे में अगर आपको अलग से कुछ भी पूछनी होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।